योगीन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति। जड़ी बूटियां जब गुणवत्ता युक्त होती हैं तो उन गुणवत्ता युक्त जड़ी बूटियों को लेकर के उनका परीक्षण करके, परीक्षण के पश्चात जब हम औषधि निर्माण की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो सबसे पहले प्रक्रिया होती है कि हम उसको पाउडर करें, उसको टुकड़ा करें, जो बड़े बड़े जिस भी शेप में छिलका है, पत्तियां हैं या फल हैं, जो भी द्रव्य आते हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि आप सबसे पहले तो अपने क्वालिटी युक्त औषधि को देखा, तो उस क्वालिटी के प्रति हमने जो एक रिसर्च, जो एक अनुसंधानात्मक कार्य था उसको किया। करने के बाद में जब वह औषधियां कूटने के लिए आती हैं, इसमें बहुत सारी चीज माने रखती हैं कि आप कितनी सफाई से कूटते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे पास काफी बड़ी बड़ी मशीनें हैं, पर ये बड़ी मशीनें होने पर भी यह जो बहुत ही क्वालिटी युक्त जो स्टील होती है, स्टेनलेस स्टील जो होता है, उसकी ये मशीनें बनी हुई हैं। लोग क्या करते हैं कि लोहे के जंग लगे हुए उस पर कूटते हैं, या बहुत असावधानी से इमाम जस्ते आदि पर कूटते हैं, तो बाहर की धूल धक्कड़ और मिट्टी भी उसमें चली जाती है। तो आयुर्वेद का अनुसंधान यही है कि हम यह भी ध्यान रखें कि कूटते समय बाहर के जो विजातीय तत्व है, दूसरे इस तरह के जो द्रव्य हैं, वह उस पर ना आए। धूल मिट्टी आदि, बाहर का जो दूषित वातावरण है, पॉल्यूटेड जो हवा है, उसका असर उस औषधि पर ना हो, इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ध्यान रखते समय ये के अलावा जो बारीकी से ध्यान रखने की आवश्यकता है वो ये है कि जब हम औषधियों को कूट रहे हैं तो उस समय जो हीट जनरेट होता है अंदर, जो एक तरह से गर्मी पैदा होती है, तो वो इतनी ज्यादा पैदा ना हो कि जो द्रव्य हैं, जो जड़ी बूटियां हैं, उसकी जड़ी बूटियों की जो गुणवत्ता है वो खत्म हो जाए। यह भी एक अनुसंधान का कार्य है। प्राचीन प्रक्रिया में ठीक है, हम चक्की में जड़ी बूटियों को पीसते थे, या हम इमाम जस्ते पर उखल और मुसल में कूटते थे, वो प्रक्रिया हालांकि उसमें धूल धक्कड़ आने की ज्यादा संभावना थी, फिर भी उसकी जो गुणवत्ता है, उसकी जो जोर है, चोट जो है वो कम पड़ती थी, इसलिए ज्यादा वो खराब नहीं होती थी। आज समय की आवश्यकता के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से, हमें बहुत सारी जड़ी बूटियों को टनों में, बहुत बड़ी मात्रा में जड़ी बूटियों को पाउडर करना पड़ता है। परंतु पाउडर करते समय हम ध्यान रखें कि वह किसी भी तरह से उसके जो तत्व हैं, जो गुणकारी तत्व हैं, वो खत्म ना हो जाए। इसके लिए हमने प्रयत्न किया है, इसके ऊपर अनुसंधान करके, इसके ऊपर काफी गहन चिंतन और गहन, इसके ऊपर सब तरह से परीक्षण के बाद में हमने फिर इन मशीनों का निर्माण करा करके अपने हिसाब से ये हम यहाँ पर जड़ी बूटियां कूटते हैं। तो यह भी जड़ी बूटियों के अनुसंधान के संदर्भ में, जड़ी बूटियों को आगे बढ़ाने के संदर्भ में, आयुर्वेद को पुनर्स्थापना के करने के संदर्भ में अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। और हम इस चीज में ध्यान दे करके जो हमारी औषधियां हैं, जो बहुत ही कारगर हैं, बहुत ही गुण वाली हैं, उन दवाइयों को लोगों तक पहुंचाते हैं, जिससे लोगों को मिले नया जीवन। कम से कम मूल्य पर उत्तम से उत्तम औषधि हम कैसे दे सकते हैं, यह है हमारा प्रयत्न। अनुसंधान में आपने देखा कि जड़ी बूटियां कैसे कूटी जाती हैं, कैसे पीसी जाती हैं, किस तरह की जड़ी बूटियां आती हैं, कूटने से पहले, कूटने के बाद कैसी होती हैं, उस प्रक्रिया को मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा, जिससे कि आप जानिए गुणवत्ता युक्त आयुर्वेदिक दवाइयां बनती है कैसे।